देश का आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज संसद में पेश किया गया, जिसमें 7% विकास दर होने का अनुमान जताया गया है। यदि हम इस सर्वेक्षण अहवाल को देखते हैं, कल आने वाला जो बजट है उसके संदर्भ में अगर सोचते हैं, सबसे पहले कि 2025 तक देश के विकास दर की जो ग्रोथ है, जो विकास है, उसको हासिल करने का जो लक्ष्य रखा है वो 8% विकास दर के तहत कहा गया है। लेकिन अगर किसी भी देश का विकास दर अगर हम सोचते हैं, अगर बढ़ाना है, विकास करना है, तो सबसे अहम बात होती है देश के लोगों से बचत होना, निवेश होना और उस देश में बनाई हुई चीजों को निर्यात करना। जब किसी चीज को निर्यात किया जाता है तो देश का उद्योग जगत जो होता है वो सबसे ज्यादा सक्षम होना चाहिए। जो आज के अगर हम प्रतिस्पर्धा या ग्लोबलाइजेशन की जो स्पर्धा कंपटीशन है किसी भी चीज को लेकर, तो यहाँ से बाहर निर्यात करने के लिए जो अधिकतम उत्तम होना चाहिए, तो इस संदर्भ में हमारे अहवाल में जो बताया गया है, जो अनुकरण करना चाहते हैं कि चाइना की जो विकास दर है वो कैसे तय होगी। हालांकि चाइना के विकास दर के संदर्भ में इससे पहले बहुत बातें होती रही है, क्योंकि चाइना का आकर्षण इसलिए है कि चाइना में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं, जहां पर विकास के नाम पे जनता जो होती है उसका कोई भी मत का, कोई भी विचारों का मूल्य नहीं रखा जाता। सरकारों को जो लगता है वो सरकार तय कर लेती है और बना देती है। इसीलिए वहां विशेष आर्थिक क्षेत्र जो बने हैं, जो जोन बने हैं, उसके तहत दुनिया भर के देशों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, अपनी वस्तु उत्पादित की और वहां से लेकर दुनिया भर के देशों में उसको निर्यात भी किया। हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट वहां पर चलने लगा है और शेयर मार्केट के होते हुए कुछ लोग अमीर के लिस्ट में आ रहे हैं और कुछ पिछड़े गरीब के लिस्ट में जा रहे हैं। तो ये हिसाब से अगर हम किस देश का अनुकरण करते हैं, इसको अगर हम देखते हैं, तो उस हिसाब से हर चीज को हम सोचते हैं। दूसरी बात ये कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो होता है, जिसको हम बांधकाम कहते हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काफी तेजी आ गई ऐसे बताया गया है। लेकिन इसमें आम लोगों के लिए कितना ये राहत वाला होता है, इस बात को अगर हम देखते हैं, अगर हम शहरों के हिसाब से अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन में जो तेजी आती है तो सबसे ज्यादा बिल्डरों की लिस्ट उभर कर आती है। आज हम मुंबई का अगर विचार करते हैं तो मुंबई में बहुत ज्यादा घर बनाए पड़े हैं जो कि उसको खरीददार नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम सोचे तो कंस्ट्रक्शन में तेजी आ रही है बिल्डर्स के क्षेत्र में। शायद हो सकता है कि इसमें बिल्डर्स का क्षेत्र नजरअंदाज किया गया हो या पुलों का, रास्तों का, सड़कों का निर्माण इसको इसमें देखा गया हो, लेकिन इसमें आम लोगों को कितनी राहत मिलती है बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी बात, ये सर्वेक्षण अहवाल में बताएगी कि ऑटो सेल्स में कमी आई है। हम देखते हैं कि भारतीय मानसिकता जो रही है या भारतीय लोग जो होते हैं वो आज ज्यादातर स्कूटर या टू व्हीलर्स रास्ते पर बहुत हद तक नजर आते हैं, लेकिन उसकी सेल्स में जो कमी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये सेल्स की कमी इसी बात को लेकर हो रही है कि रोजगार का कुछ न कुछ असर बेरोजगारी में दिखते हुए नजर आ रहा है। लोगों की खरीदारी की जो क्षमता है, खासतौर पर मध्यम वर्ग की जो बढ़ने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं इसमें कम होती हुई नजर आती है। एनपीए बढ़ाई, इस बात को भी सवाल में रखा गया है। एनपीए तो हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों की जो बैंक्स है, उन बैंकों के द्वारा यहाँ के तथाकथित उद्योजकों ने, उद्योगपतियों ने इन बैंकों को लूटा है, जिसमें देश भर के आम नागरिकों का पैसा होता है और उसी को किसी न किसी बहाने से किसी कंपनियों के डेवलपमेंट में या अलग अलग उद्योग के डेवलपमेंट के बहाने से इसको मिलाया जाता है। इसमें बहुत हद तक ये एनपीए बढ़ने की जो बात होती है, इसमें तो अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के जो लोग होते हैं और उद्योजक जो होते हैं कि इनमें साठगांठ भी होती है, इसलिए एनपीए बढ़ता है। दूसरी बात कि रोजगारी की जो आशंका पिछले चुनाव के पहले जो बताया गया था कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन अभी इस बेरोजगारी को हटाने के बहुत कम रोजगारियों के निर्माण से काम नहीं चलेगा। पूरे देश में जो युवा माहौल है, युवाओं को हम अगर देखते हैं तो काफी ऊंची शिक्षा प्राप्ति से लेकर जो कम शिक्षित है उन युवाओं तक बेरोजगारी का असर देखने में आया है। तो इन सारी चीजों पे इस आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल से कुछ बातें क्लियर नहीं होती है। तो देखते हैं कि कल संसद में जो बजट पेश होगी उस बजट में कैसे इस बेरोजगारी की समस्याओं से निपटाया जाता है। लेकिन ये बात तो तय है कि गरीबी आम तौर पर देश में बढ़ रहे मध्यम वर्ग का निर्माण जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आता है। अगर इन बातों को अगर हम देखते हैं तो एनपीए बढ़ने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक होते हैं उस पर कुछ न कुछ आघात होने की बात इसमें नजर आएगी। देश में ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया तो उसके बाद यहाँ की वर्गीय व्यवस्था थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ की जाति व्यवस्था कुछ कमजोर हो जाएगी।
ऐसा एक अनुमान था। लेकिन विगत कुछ दिनों से यहाँ की जाति व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम एक बाजू में हो रहा है और दूसरे उसी जाति व्यवस्था के तहत जो कमजोर या निचली जाति के जो लोग हैं खास तौर पे जिन्हें हम बहुजन की संकल्पना से जानते हैं, ऐसे लोगों को इस विकास के अनुपात से या विकास के लाभ से कहीं न कहीं बाहर फेंका जा रहा है क्या, इस बात को भी हमें बहुत सटीकता से सोचना होगा। अगर देश आगे जा रहा है या देश की दुनिया की पांचवी आर्थिक सत्ता अगर हो रही है तो इसमें किसी भी देशवासियों को गुरूर होना चाहिए, लेकिन देश का आर्थिक महासत्ता होना और देश में बेरोजगारी और गरीबी होना, ये दोनों ही बात अगर एक ही समय अगर चलती है तो निश्चित तौर पे इसका आघात किसी वर्ग विशेष पर पड़ेगा और इसका लाभ किसी वर्ग विशेष पर होगा। तो इस संदर्भ में कल पेश होने वाला बजट कैसे हमें आसार देता है या कैसे हमारा अगला एक साल का जो अंदाजा है, जो हकीकत है, वो कैसे बताता है, ये देखना होगा। आज के लिए फिलहाल इतना है।